नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन लेटेस्ट कोई स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज वेबिनार सेमिनार्स मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। जैसा कि आपने देख लिया, आज हम आपसे बात करना चाहते हैं मार्केट में एक ऐसे टूल को फाइंड करने के बारे में जो हमारी हेल्प करेगा आगे आने वाले दिन का हमें अनुमान लगाने में कि आगे आने वाला दिन जो है उसका मूड और माहौल क्या हो सकता है। क्या वो बुल हो सकता है, क्या वो बेरिश हो सकता है, क्या वो एक रेंज बाउंड हो सकता है, क्या वो ट्रेंडिंग हो सकता है। इस प्रकार का हम कुछ एक टेक्निकल एनालिसिस का टूल फाइंड करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि उस टूल की कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या सक्सेस है, क्या फेलियर है। मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसे यूज करते हैं। मैं उसको कई बार देखता रहता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई मुझे चीज पता है तो मैं अपने रिटेल फ्रेशर बिगनर भाई को बताना चाहता हूँ। पर इससे पहले कि हम इस स्पेशल वीडियो को शुरू करें, मैं 1 मिनट लगा करके देना चाहता हूँ एक छोटा छोटा सा डिस्क्लेमर। और होगा ये कि टेक्निकल एनालिसिस की अपनी लिमिटेशंस हैं, कोई भी इंडिकेटर टूल होली ग्रेल नहीं है, कोई भी टूल 100% काम नहीं करेगा। हर टूल की अपनी सक्सेस की और फेलियर की एक रेट है। हम एज अ ट्रेडर क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल ट्रेडिंग टूल्स का, ट्रिक्स का, इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन बना करके अपने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को मेरे भाई इंक्रीज कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसा मैंने कहा, कोई भी होली ग्रेल नहीं है, कोई भी सिस्टम 100% पास नहीं करता है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस्ड बाजार है। यहाँ पर काम इमोशंस के बेसिस पर होता है और हम एज ह्यूमन बींग्स अपने इमोशंस के बेसिस के ऊपर चलते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं फियर और ग्रीड। तो राधा धन के हम अपना टाइम लगाएं, हम एक इंडिकेटर को फाइंड करने की कोशिश करें जो 100% काम करे, से बेहतर है कि हम दो तीन इंडिकेटर, चार इंडिकेटर, बेशक 5 इंडिकेटर या 5 ऐसे बड़े कॉन्सेप्ट काम करने की कोशिश करें जो हमको हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करें, रादर कि हम किसी पर्टिकुलर वीडियो को फाइंड करके उसके बारे में भला बुरा बोलें, गलत शब्दों का प्रयोग करें, उसको नीचा छोटा दिखाने की कोशिश करें, से बेहतर होगा कि हम अपना समय अपने टेक्निकल एनालिसिस के स्किल को इंप्रूव करने में लगाएं। बात मेरी हो गई कंप्लीट, अब नहीं करूंगा डिले। चलेंगे मेरी लाइव स्क्रीन पर और आप देख रहे हैं निफ्टी माई फ्यूचर का चार्ट और टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट कर रखा है 15 मिनट। जैसा मैंने कहा कि ये एक पर्टिकुलर वीडियो जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे, आज जैसे आज शुक्रवार है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे आगे आने वाला ट्रेडिंग का दिन, से मतलब है सोमवार या जब भी बाजार खुलेगा उस दिन बाजार का मूड और माहौल क्या हो सकता है, क्या बाजार ऊपर हो सकता है, क्या बाजार नीचे हो सकता है, क्या बाजार वोलेटाइल हो सकता है, क्या बाजार रेंज बाउंड हो सकता है। ये कैसे हेल्प करेगा, एक ट्रेडर है जिसको 3:15 बजे पोजीशन बना रहा है पर कुछ पता ही नहीं, वो ब्लाइंड खेल रहा है, आंखें बंद करके बस बल्लेबाजी किया जा रहा है, और दूसरा एक वो ट्रेडर है जिसको कम से कम एक रास्ते पर डाल दिया गया। तो दोनों में से आप देख लीजिए स्थिति किसकी बेहतर है। मेरे ख्याल से उसी की बेहतर है, उसी के पास थोड़ा सा एज है जो कम से कम कोई एक लाठी या कोई एक चीज लेकर के चल रहा है। बात वही हुई, आपको कह दिया गया रात के 8 बजे जंगल से निकल करके जाना है और एक को दे दी गई बंदूक और एक को दे दी गई लाठी। अपने आप समझ लो किसकी स्थिति बेहतर और किसकी स्थिति खराब। हाल हमारा यही है, एक सिचुएशन है कि हमें खुद कुछ भी नहीं पता और हम ब्लाइंड खेल रहे हैं। जैसे आज है, ये चलता बाजार है और 2:50 का टाइम है दोपहर को शुक्रवार को, और यहाँ पर आपको ये बस ये बता दिया गया कि ये बाजार है और आप अनुमान लगाते रहो कि जी अनुमान लगा कर ये बताओ कि आगे आने वाले दिन में निफ्टी में आपका क्या प्रडिक्शन है, ये सिचुएशन। और दूसरा मैं आपको अपनी तरफ से भी एक टूल एक शेयर कर दूंगा, आप खुद उससे एनालाइज करके अनुमान लगा पाएंगे कि प्रडिक्शन करनी दोनों ने प्रडिक्शन ही है। एक सिचुएशन है कि आपको कुछ पता ही नहीं, दूसरी सिचुएशन है कि आपको एक टूल मिल गया, आपको लगता है ये टूल आपके काम आएगा यूज कर लीजिए, नहीं लगता तो कोई बात नहीं डिस्कार्ड कर दीजिए। चलिए चलते हैं, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ वो देख लेते हैं। जिस इंडिकेटर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस इंडिकेटर का नाम है सीपीआर। आप एक काम कर सकते हैं, इंडिकेटर की लिस्ट में जाइए, सीपीआर लिखिए, ये दुनिया जान के सीपीआर आपको नजर आएंगे। सीपीआर का मतलब होता है सेंट्रल पिवट रेंज। सेंट्रल पिवट रेंज कोई इंडिकेटर नहीं है, ये मैथमेटिकल बेस्ड फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है। सेंट्रल पिवट रेंज निकलती है आज के पूरे दिन में जो काम हुआ होगा ना, ओपन बना होगा, हाई बना होगा, क्लोज बना होगा, उसको प्लस माइनस करते हैं, उसकी एक एवरेज निकालते हैं और एवरेज निकालने के बाद 3 नीली लाइनें लगा देते हैं। सीधी सीधी बात है, सेंट्रल पिवट रेंज यही होती है, बीच वाली होती है सेंट्रल, ऊपर वाली होती है टॉप रेंज, नीचे वाली होती है बिलो रेंज। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये इंडिकेटर नहीं है, ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है प्राइस बेस्ड। ये प्राइस बेस्ड कैलकुलेशन हेल्प करती है अनुमान लगाने में, तो इसको इंडिकेटर ना बोल करके ना इसको मैथमेटिकल टूल बोला जाए। पहली चीज, ये सारी की सारी सीपीआर लगी हुई है, आपको जो अच्छी लगती है भैया वो लगा लो, क्योंकि ये मैंने कहा कि ये मैथमेटिकल बेस है। जिस आदमी की मेरे को थोड़ी बहुत समझ आती है मेरे भाई, उसका नाम ये गोमती शंकर है, केजीएस के नाम से आपको इसका इंडिकेटर मिल जाएगा।
सीपीआर विद पिवट लेवल, सीपीआर बाई केजीएस, मैं इसको कर लूंगा फेवरेट और इसको कर दूंगा मैं सिलेक्ट। इस प्रकार की आपको एक रेंज दिखेगी, आप जब इसको जाएंगे और लगाएंगे ना तो आपको दिखेगा ये सब कुछ, इतना सब कुछ आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा जो बहुत हॉच पॉच है। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ अभी आज के वीडियो में ये अनुमान लगाना सीखना चाहते हैं कि भैया सोमवार को बाजार कहां पर खुलेगा और बाजार में किस प्रकार का मूड और माहौल होगा। आज के इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं यही अचीव करना चाहता हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक में डेवलप हुआ, आपने कमेंट्स लिखे, तो विश्वास जानिए मैं इसका एक एक्सटेंडेड और डिटेल और सीपीआर में आपको बताने लायक क्या क्या है वो अगले वीडियो में सब कुछ डाल दूंगा। आज का वीडियो होगा कंसाइज, क्रिस्प, शॉर्ट, छोटा, टू द पॉइंट, जिसमें बात करेंगे सिर्फ ये आगे आने वाले दिन का अनुमान और अनुमान के साथ साथ वहां की चाल। भाई जाएंगे इंडिकेटर में और अब हम काम शुरू करेंगे हाइड करने का। आप देखते जाइए मैं क्या क्या हाइड कर रहा हूं, मैंने ये सब कुछ हाइड कर दिया, मेरे को सिर्फ टुमारो पिवट देखने हैं, आगे आने वाले दिन के पिवट में देखना चाहता हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इधर मैं जाऊंगा, इधर मैं प्रीवियस डे का हाई और लो भी हटा दूंगा और मैं हटाने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ भी हटा दूंगा ताकि स्क्रीन आपको लगे बिल्कुल साफ और आपको आ जाए आनंद। मुझे सिर्फ टुमारो, मेरे को आगे आने वाले दिन से मतलब है और अभी मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। ठीक है, आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ आ गई है। फटाफट से ये टुमारो पर मैं आ गया, तो मैं टुमारो टुमारो की बस एक चीज रखूंगा, मैं टुमारो में भी ये देखिए मैं टुमारो पिवट रखूंगा, बिलो बिलो रेंज रखूंगा, टॉप रेंज रखूंगा। अब ये बिलो रेंज टॉप रेंज क्या है, इसकी कैलकुलेशन क्या है, गूगल कर लीजिए, समझ आ जाए ठीक, नहीं समझ आए कोई परेशानी नहीं है, मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं अगले वीडियो में इसको भी कवर कर दूँ। ठीक है मेरे भाई साहब, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, मैंने टुमारो पिवट ले लिए, उसके बाद मैंने यहाँ पर बड़ी तसली से टुमारो पिवट की रेंज ले ली, इसको मैं कर दूंगा सेव एज डिफॉल्ट सिलेक्ट, ये आपको दिख गया सामने। सरल इंटरप्रिटेशन आपको बताने की कोशिश करूंगा और आपको आ जाएगा दिल खुश। ये देखिए यहाँ से क्या समझ आता है, ये जो तीन नीली लाइनें देख रहे हैं ना, ये जो तीन नीली लाइनें बन रही है ना, एज जैसा मैंने कहा कि मैं कल का अनुमान लेना चाहता हूँ, मतलब है आगे आने वाले दिन का अनुमान लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने टुमारो पिवट रेंज को सिलेक्ट करा है। मेरे को टुमारो, ये टुमारो पिवट रेंज है, मतलब ये आगे आने वाले दिन की रेंज मुझे आज ही बता रहा है आगे आने वाले दिन का मूड और माहौल क्या होगा। अब देखिए मूड और माहौल चेक करने का सबसे पहला अनुमान ये लगाना है कि बाजार ऊपर होगा या नीचे या रेंज बाउंड होगा, पहला ये जानना चाहते हैं, उसको जानने का सबसे आसान तरीका आज की जो ये जो आप रेंज देख रहे हैं इसको पीछे वाली रेंज से कंपेयर कर लीजिए, ये पीछे वाली रेंज के ऊपर बन रही है, नीचे बन रही है या बीच में बन रही है। ऑब्वियसली निफ्टी के अंदर में ये जो रेंज बन रही है ना, नीली वाली जो रेंज है, ये पिछले वाले दिन की रेंज के ऊपर बन रही है, फेयर है, ऊपर बन रही है, तो पहला अनुमान ये कि अब आगे आने वाले दिन में निफ्टी का जो मूड हो सकता है या माहौल हो सकता है या उसका मोमेंटम हो सकता है वो ऊपर हो सकता है, ये इसकी नंबर 1 इंटरप्रिटेशन है। फेयर है, यहां तक मेरे साथ हैं आप? होगा नहीं होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, अनुमान है। जिस प्रकार से किसी भी अनुमान की प्रोबेबिलिटी सक्सेस और फेलियर होता है, उसी प्रकार से इसका भी होगा, सक्सेस ज्यादा होगा फेलियर ज्यादा होगा, वो मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, एनालाइज कीजिए, कमेंट्स में जवाब लिखिए, अच्छा काम करता है इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना। ठीक है जी, पहला अनुमान ये लग गया कि आगे आने वाले दिन में जो बाजार का मूड और माहौल होगा वो कैसे पता चला, वो पिछले दिन के सीपीआर से मैंने ये वाला सीपीआर देखा और ये वाले सीपीआर ने मुझे कहा कि भैया आगे आने वाले दिन में बाजार ऊपर की तरफ हो सकता है क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये पिछले दिन में स्टेप्स इसके ऊपर बन गए हैं, ऐसे मान लीजिए सीढ़ियों की तरह से काम करता है, स्टेयर्स केस की तरह से काम करता है, स्टेयर्स मान लीजिए ये वाली आज वाली जो ये जो आप आगे आने वाले दिन की स्टेयर्स हैं वो पिछले वाले दिन की स्टेयर्स के ऊपर बन रही है ना, तो इसका मतलब है कि बाजार में तेजी का माहौल हो सकता है, इंटरप्रिटेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपका सवाल हो सकता है ठीक है भाई साहब आने आने वाले दिन में तेजी होगी, आपने बता दिया हमने सुन लिया, अब आप ये बताइए कि आगे आने वाले दिन में जो तेजी होगी वो तेजी मतलब क्या, एक तरफा तेजी मिलेगी, रेंज बाउंड होगा, साइडवेज होगा, वोलाटाइल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में बताइए। तो ये खूबसूरत इंडिकेटर हमें उसके बारे में भी बताने की हेल्प करता है, देखिए कैसे, ये देखिए जब ये तीनों लाइनें आपस में बहुत ज्यादा चिपकी हुई सी हो जाए जैसी आपको ये दिख रही है, हालांकि बहुत ज्यादा चिपकी हुई सी तो है, ये तीन तरह की आपको सेंटर पिवट रेंज दिखेंगी, समझ लीजिए, एक होगी बिल्कुल चिपकी हुई, एक होंगी ऐसी खुली खुली लाइनें, एक होंगी ऐसी मीडियम मिडल काइंड ऑफ रेंज, आपस में बहुत ज्यादा चिपकी हुई भी नहीं होंगी और आपस में बहुत ज्यादा खुली हुई भी नहीं होंगी, बात समझ आ गई। जब आपको ऐसी सेंट्रल पिवट रेंज दिख जाए जो बहुत ज्यादा आपस में खुली हुई नहीं है तो उसका मतलब होता है कि मार्केट में एक ठीक ठाक सा वोलेटाइल मूव आ सकता है।
अब वोलेटाइल मूव की भी डेफिनेशन है, वोलेटाइल मूव ऐसा भी होता है कि एकदम से नीचे और एकदम से ऊपर भी बनाता हुआ चलेगा, और वोलेटाइल वन डायरेक्शनल मूव ये भी होता है कि एक तरफ रफ्तार पकड़ेगा और रफ्तार पकड़ के आके आगे निकल जाएगा। एक चीज है, जब आपको इस प्रकार की रेंज दिख जाए ना, तो इस प्रकार की रेंज में ना आपको इतनी, जब आपको सेंट्रल पिवट रेंज की लाइनें इतनी चिपकी हुई दिख जाए ना, तो चांसेस है कि उस दिन बाजार जो है ना, बाजार एक्शन मोड में रहता है, एक तरफ भी भाग सकता है और इस प्रकार के वी भी बना सकता है। अभी 2 मिनट में आपको बता दूंगा। फिर है यहां तक आपको दो चीजें समझ आ गई। पहला हमने ये समझने की कोशिश की कि आगे आने वाले दिन में बाजार का बायस क्या होगा। यहां से मुझे पता चल गया कि बाजार का जो बायस है, भाई साहब बायस तो बुलिश होगा, ठीक। दूसरी चीज मैंने समझने की कोशिश की कि बुलिश बायस के साथ साथ भाई साहब ये बताओ कि बाजार में चाल कैसी होगी, क्या रेंज बाउंड होगा, पता नहीं, क्या एक तरफ भागेगा, पता नहीं। अब जिसने ये नहीं लगा रखा उसको तो नहीं पता ना, अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए हाइड कर दूं तो क्या पता आपको, आपसे पूछूं कि सोमवार को बताओ जी निफ्टी का क्या मूड और माहौल होगा, बोले मुझे क्या पता, जब होगा तब होगा ना, अभी क्या पता। उसका जवाब है ये कि अगर सेंट्रल पिवट रेंज आपको आगे आने वाले दिन की ऐसी चिपकी हुई लाइनें बनकर के दिख रही है ना, तो चांसेस हैं कि बाजार में आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको एक वॉलेटाइल मूव नजर आ सकता है। ये हम दूसरी इंटरप्रिटेशन समझ पाए। चलिए थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके देखते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। आइए देखिए, ये तो मैंने आपको फ्यूचर का बताया, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको और क्या बताता हूँ इसकी सेंट, ये मैंने अभी तक आपको बताया कि आप आगे आने वाले दिन का अनुमान आज कैसे ले सकते हैं। चलिए एक एक्सरसाइज और करते हैं, फिर हम अपनी बात को और आपको बड़ी मजे से एक और चीज बताऊंगा। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में देखिए, आगे आने वाले दिन की रेंज पिछले दिन की रेंज के ऊपर है, पहली इंटरप्रिटेशन बाजार के ऊपर जाने के चांसेस है। दूसरी इंटरप्रिटेशन, लाइनें चिपकी हुई हैं, जब लाइनें चिपकी हुई होती हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बाजार में मूव आएगा। यहां तक मैं बात अपनी आपको आई होप समझा पाया। आप मान लीजिए कि आज के दिन में जो मैं आपको टूल देना चाहता था ना, वो टूल मोर और लेस कंप्लीट है। अब मैं आपके साथ में करूंगा थोड़ा सा बैक टेस्ट का डेटा और आपको दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली में किस तरह से क्या एक्शन करता है, क्या नहीं करता। मजा आएगा, देखते रहिए। अभी हम अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मिड कैप को भी देखेंगे। मिड कैप बहुत सरल, विद इन मिली सेकेंड्स आप चार्ट को देख करके बता देंगे, रेंज पिछले दिन की रेंज के ऊपर बन रही है, बाजार ऊपर जाएगा। अगर लाइनें खुली खुली बननी शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि बाजार में थोड़ा बहुत काम साइडवेज हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है। जब तक आपको बहुत ज्यादा चिपकी हुई और बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लाइन्स ना मिले ना, उस दिन कोई बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव आने के चांसेस नहीं होते हैं। आइए और देखिए फिर निफ्टी को देखते हैं, इतने पहले फिर निफ्टी क्या बोल रहा है। फिर निफ्टी भी कहानी मोटा मोटी, आगे आने वाला दिन का रेंज ऊपर बन रही है और लाइनें जो है वो बहुत ज्यादा चिपकी हुई नहीं है, बहुत ज्यादा खुली हुई नहीं, मीडियम काइंड ऑफ रेंज है, तो मीडियम काइंड ऑफ रेंज में मीडियम काइंड ऑफ ट्रेंड या मीडियम काइंड ऑफ वोलेटाइल मूव्स आ सकते हैं। समझ गए जी। अब 1 मिनट के लिए वापस सीपीआर पर जाइए, यहां आइए और यहां पर आकर के टुमारो को हटा दीजिए। टुमारो का एनालिसिस आपने कर लिया, आज मैं बात करूंगा आपसे आज के बारे में, तो आप यहां पर ना आज के पिवट्स को सिलेक्ट कर लीजिए और यहां पर ये डेली ये पिवट आज के लगा लीजिए और इसको ये कर लीजिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं, निफ्टी से शुरू करते हैं। अब ये आज के पिवट्स लग गए, अब ये कहता है, अब देखिए, अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो तीन लाइनें जो हमें बताना चाह रही, क्या वो तीन लाइनें सही में कुछ इंटरप्रिटेशन ठीक भी देती हैं या सब ऐसे ही है, टाइम वेस्ट है। अब आज के दिन में बैंक निफ्टी में जो पिवट्स बने हुए हैं, वो इतने तीन पिवट्स इतने खुले बने हुए हैं आपके सामने, इतने खुले पिवट्स बने हुए हैं। तो खुले पिवट्स का क्या मतलब होता है कि बाजार रेंज बाउंड होने वाला है, वोलाटाइल मूव आपको नहीं मिलेगा। तो क्या आज ऐसा हुआ, ये देखिए, ये नीचे, ये ऊपर, यहां चला और यही खत्म। बैंक निफ्टी 64 पॉइंट सिर्फ। क्या समझ आया कि जब बाजार में आपको ये पिवट्स, लोग मेरे से पूछते हैं सुबह शाम आता है जवाब के, ऐसा कोई इंडिकेटर, ऐसा कोई टूल बताने की कोशिश करो, ऐसे कोई चीज बताओ कि हमें ये पता चल जाए कि मार्केट में आज काम रेंज बाउंड होने वाला है, आज मार्केट में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये पर्टिकुलर ट्रिक, ये पर्टिकुलर टूल आपकी हेल्प करेगा, डेफिनेट हेल्प करेगा आपको जानने में कि बाजार में ऐसा हो सकता है, लाइनें आपस में चिपकी हुई हैं और चिपकी हुई लाइनें जो होती हैं वो आपको बहुत ज्यादा वोलेटाइल मूव्स नहीं देती हैं। ये बात यहां पर आज बैंक निफ्टी में प्रूव हुई। ये बैंक निफ्टी पर ही काम कर। अब ये पिछले दिन में जाइए, अब यहां पर ये बहुत पतली कंजेस्टेड लाइन्स हैं, कंजेस्टेड लाइन का मतलब है भयंकर वोलेटिलिटी, आंधी तूफान। तो क्या पिछला दिन आंधी तूफान वाला रहा, एकदम से नीचे तोड़ा, एकदम से ऊपर, एकदम से नीचे, एकदम से ऊपर,
एक बात मैं आपको बताता हूं, जो लोग सीपीआर पर काम करते हैं या सीपीआर के बारे में समझना चाहते हैं, अगर किसी दिन उनको नैरो रेंज सीपीआर दिख जाता है ना, जैसा ये नैरो रेंज सीपीआर, तो वो ये समझ करके चलते हैं कि मार्केट में एक तरफा मूव आएगा, मार्केट यूनिडायरेक्शनल होगा, ये गलत है। मार्केट में सिंगल रेंज के बनने से ना, जब सीपीआर इतने चिपके हुए होते हैं ना, चिपके हुए सीपीआर का मतलब होता है मार्केट में वोलेटिलिटी, मार्केट में बहुत ज्यादा चंचलता, उतार चढ़ाव। ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। तो सीपीआर अगर चिपके हुए मिल जाए ना, तो उस दिन ऐसा कभी नहीं सोच लेना चाहिए कि मार्केट में एक तरफा मूव आएगा। एक तरफा मूव आ भी सकता है, और ऐसा वोलेटाइल मूव आ भी सकता है कि मार्केट वी बनाता हुआ, डब्ल्यू बनाता हुआ चलेगा। पर ये आपके सामने, चलिए और देखते हैं, और चीज को समझने की कोशिश करेंगे क्या है आपके सामने रेंज है ये कैसे। अब ये देखिए काम करिए, आपके सामने रेंज बहुत ज्यादा चिपकी हुई रेंज नहीं है, बहुत ज्यादा खुली रेंज नहीं है, मीडियम काइंड ऑफ रेंज है, मीडियम काइंड ऑफ ट्रेंड मिल गया, नीचे चला और बाजार नीचे निकल गया। और आइए खुली लाइनें, खुली लाइनों का मतलब होता है रेंज बाउंड, प्रिसाइज रेंज बाउंड हुआ। और देखिए खुली लाइनें, खुली लाइनों में नीचे ऊपर नीचे इस प्रकार, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ ये किस प्रकार का क्या काम है, पर ये तो समझ आ रहा है कम से कम ये ट्रेंडिंग मूव तो नहीं। और देखिए खुली रेंज, खुली रेंज में काम रेंज बाउंड ऊपर नीचे, और यहां से ये सारा का सारा मूव। थोड़ा सा और देखते हैं, देखिए पतली सीपीआर की रेंज, पतली सीपीआर की रेंज का मतलब है मार्केट में वोलाटाइल मूव या वन डायरेक्शनल मूव। ये देखिए वन डायरेक्शनल मूव आपको देखिए। खुली रेंज, खुली रेंज का मतलब होता है रेंज बाउंड, तो रेंज बाउंड। मीडियम रेंज, मीडियम रेंज का मतलब होता है ट्रेंड आ सकता है, ट्रेंड आ गया। मीडियम रेंज, मीडियम रेंज में फंस गया। पतली रेंज, पतली रेंज में ट्रेंड आ सकता है, ट्रेंड आ गया। खुली लाइनें, लाइनें खुली पतली से समझ लीजिए, बस एक खुली लाइनें हैं, तो खुली लाइनों में कुछ भी नहीं होता काम, सारा दिन बस बाजार वहीं घूमता रहता है। और उसी प्रकार में जब खुली लाइनें आपको देखें, थोड़ा सा उसे अवॉइड करेंगे तो सेफ रहेंगे। खुली लाइनें जब बने हैं तो उसे मार्केट में खिचड़ी पकने के चांसेस होते हैं और कुछ नहीं। ये देखिए पतली लाइनें, पतली लाइनों में इस प्रकार के मूव्स आपको मिलेंगे। सीपीआर की एक विशेषता है, सीपीआर आपको दो तरीके से हेल्प करेगा, मैं अंदर से एग्जैजरेट नहीं करता, चीजों को आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको बैक टेस्ट करें और कमेंट्स में लिखें। सीपीआर को ना समझने के लिए दो तीन चीजें कीजिए। पहला सीपीआर को वो टुमारो पिवट से, टुमारो पिवट को लगा करके अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए। अनुमान लगा करके देखना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले दिन का बाजार कहां पर होगा, कहां पर नहीं होगा। और दूसरा, अगर आप आगे आने वाले दिन का अनुमान नहीं लगाना चाहते ना, आप ये करना चाहते हो यार कि मुझे आज का बता दो कि आज क्या होना है, तो बहुत सरल है। अगर आपने बैंक निफ्टी में सुबह 9:15 बजे आकर के ये देख लिया था ना, सिर्फ इतना ही आपने ये देखा और आपने लगाया कि आपको पता चल गया यार कि बैंक निफ्टी में जो सीपीआर की लाइंस हैं, वो सीपीआर की लाइंस आपस में खुली हैं, तो खुली लाइंस का मतलब होता है मार्केट में कोई बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग मूव नहीं आएगा, तो आपने देख लिया सर ट्रेंडिंग मूव नहीं आया है, बच गया निफ्टी। अब आप निफ्टी में देखें तो इसको क्या कहेंगे, आपके सामने है इतनी खुली लाइंस हैं, और इतनी खुली लाइंस में देख लीजिए आपके सामने निफ्टी 30.24 पॉइंट के साथ चल रहा है। मिड कैप को देखते हैं, मिड कैप का हाल आपके सामने, और फिर निफ्टी को देखते हैं, फिर निफ्टी का हाल। एक चीज, अगर आपको डेली पिवट में सुबह उठ करके पिवट यूज करते हैं तो आपकी ये बहुत हेल्प करेगा, पर फिर कहूंगा ये हमेशा काम करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आप अपने सामने देख लीजिए, ये पिछले दिन में इसने फिर निफ्टी में क्या हाल करके रख दिया लोगों का। इतनी सेंट्रल पिवट रेंज आपके सामने बनी, इतनी चिपकी हुई लाइनें बनी, चिपकी हुई लाइनों का मतलब है कि मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी, मतलब बवाल मचा देंगे। हालांकि बवाल ही मचाया, इन्होंने भयंकर तरीके से लोगों को दुखी किया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर ये हाल किया है, एकदम से नीचे फिर एकदम से ऊपर फिर एकदम से नीचे फिर एकदम से ऊपर, और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये हाल कर रहे हैं। एक चीज और आपको बताता हूँ, ये सेम आपको इंटरप्रिटेशन, जो लाइनों की इंटरप्रिटेशन है ना, वो 5 मिनट पर सेम नजर आएगी। जो लाइंस की इंटरप्रिटेशन है, वो लाइन की इंटरप्रिटेशन चेंज नहीं होती है, क्योंकि लाइनें, जैसा मैंने कहा कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड काम है, ये पिछले दिन के डेटा के बेसिस के ऊपर बनता है। ठीक है जी, अभी तक मैं आपको ये चीज बता पाया डेली, अभी तक मैं आपको ऑल एंड ऑल आज के अभी तक इस स्पेशल वीडियो के अंदर में अपनी तरफ से दो चीजें बता पाया। पहली चीज में ये कि आप आज बैठ करके अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि कल क्या होगा, आगे आने वाले दिन में बाजार ऊपर होगा नीचे होगा। चलिए एक चीज और आपको दिखा देता हूं मैं, शायद वो मेरी तरफ से मिस ना हो जाए, क्योंकि अभी तक हमने ये समझने की तो कोशिश की कि हमने आगे वाला तो समझ लिया कि बाजार ऊपर होगा, तो हम एक बार को ना ऐसा भी कहीं से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ये टुमारो पिवट्स लगा लिए, अब ये टुमारो पिवट्स हैं फिन निफ्टी के, मतलब फिन निफ्टी का आगे आने वाले दिन का अनुमान ये निकल करके आ रहा है कि आगे आने वाले दिन के जो पिवट्स हैं वो पिछले दिन से ऊपर बन रहे हैं, तो चांसेस हैं कि फिन निफ्टी में तेजी होगी। और दूसरा, फिन निफ्टी का जो आगे आने वाले दिन का पिवट है वो इतना पतला पिवट बन रहा है
और जब इतना पतला पिवट बनता है तो मार्केट में वॉलेटाइल मूव आने की संभावना होती है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं कुछ ऐसा है कि आगे आने वाले दिन का पिवट नीचे बन रहा हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो मैंने अभी तक आपको एक बुलिश दिखा दिया, जैसे ये देख रहे हैं आप गोल्ड में दिख गया मुझे, कहीं पर भी देख लेंगे। बस 1 मिनट आप मेरे साथ और है, आप इसको एनालाइज करें, आप इसको बैक टेस्ट करें, और आप इसको दुनिया की जहां पर जाएं वहां पर आप चेक करें। मैं 1 मिनट गोल्ड से आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये पिछले दिन का पिवट, अब ये आज का आपके सामने ये आज का चार्ट चल रहा है, गोल्ड एमसीए गोल्ड का चार्ट है। आने वाले दिन के पिवट्स है ना ये नीचे बन रहे हैं, मतलब पिछले दिन के पिवट से नीचे बन रहे हैं आने वाले दिन के पिवट्स, तो चांसेस हैं कि गोल्ड में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और दूसरा जहां तक उसके मूवमेंट का सवाल है, तो मूवमेंट के लिए है कि लाइंस बहुत ज्यादा नैरो भी नहीं है। ये इस तरह से ना आप बिल्कुल पिक्चर को समझ जाएंगे। ये देखिए चार्ट को छोड़ दीजिए, एक बार सीपीआर को देख लीजिए। सीपीआर तीन तरह की लाइनें, यहाँ पर तीन अलग अलग तरह के आपको सीपीआर नजर आ रहे हैं। ये सीपीआर जो बिल्कुल नैरो रेंज सीपीआर है, नैरो रेंज सीपीआर का मतलब होता है कि अगर आप इसको डेली पे देखेंगे, तो इसको 1 मिनट बस आप इसको मेरे साथ और रहे और थोड़ा सा आप कैलकुलेशन को समझेंगे ना, तो आपको बहुत आनंद आएगा कि मैं आपको एक ही चीज के ना दो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपके सामने तीनों तीनों के तीनों आपको सीपीआर पर मैं थोड़ा सा जो मुझे पता है मैं बताने की कोशिश कर। पहला सीपीआर क्या बोलता है, नैरो रेंज सीपीआर में मार्केट में मूव आ सकता है और वोलेटाइल मूव आ सकते हैं। वोलेटाइल का मतलब है कि वे एक तरफा मूव भी हो सकते हैं मार्केट में। दूसरा, जब बहुत ज्यादा खुली हुई रेंज होंगी, खुले हुए सीपीआर होंगे, तो मार्केट में काम रेंज बाउंड होने की भरपूर संभावना है। तीसरा, मिडल काइंड ऑफ होंगे, बहुत ज्यादा खुले हुए भी नहीं होंगे, बहुत ज्यादा चिपके हुए भी नहीं होंगे, इस प्रकार के सीपीआर होंगे, तो ट्रेंड आ भी सकता है और नहीं आ सकता। सीपीआर की इंट्रोडक्टरी क्लास में मेरी समझ कहती है अगर हम इतना भी एनालाइज करना शुरू कर देना सीपीआर के बेसिस के ऊपर, 1 मिनट लगाकर के रीआइटरेट करता हूँ और वीडियो को करते हैं कंक्लूड, अननेसेसरी इलेबोरेट नहीं करेंगे, खींच करके बड़ा नहीं करेंगे। इसके अंदर में आप दो काम करें, आराम से बैठे और आप फ्रेश 1 मिनट के लिए फ्रेश व्यू लेने की कोशिश करें। मैं जाता हूँ सीधा बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जाऊंगा, हटाएं इसको। और आप सिर्फ अगर ये चीज सीखना चाहते हैं ना कि मेरे को तो ये बताओ यार कि आगे आने वाले दिन में क्या होगा, इसके लिए आप शाम शाम को बैठ करके दुनिया जान की वीडियोस देखते हो ना, उसका अनुमान आप आज से लगाना शुरू करो। ये टूल आपके पास, आप आ गए बैंक निफ्टी में, 5 मिनट 15 मिनट का जो मर्जी चार्ट लगा लो, सीपीआर पे जाओ, उसकी सेटिंग पे जाओ, सेटिंग में जाकर के टुमारो पिवट को सिलेक्ट कर लो, और स्टाइल में जाकर के सिर्फ टुमारो पिवट बिलो और टॉप पिवट को सिलेक्ट करके सेव एज डिफॉल्ट कर दो और ये देखो। और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करो, एक कॉपी में लिखने की शुरुआत करो कि आज आपने शुक्रवार को ये एनालाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ पिवट्स, कि सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो बैंक निफ्टी ऊपर खुलेगा, पहला क्योंकि पिवट्स ऊपर की तरफ बन रहे हैं, और दूसरा आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने पतले सीपीआर जब बनते हैं तो उस दिन मार्केट में मार्केट की चाल कैसी हो, ये आप ऑब्जर्व करना शुरू करें। साथ साथ आप अपने डेटा, अपने इनसाइट्स, अपनी बैक टेस्टिंग पर जो भी आपको चीजें निकल करके सामने आए वो प्लीज आप अपनी तरफ से कमेंट्स में लिखने की कोशिश करें। आपको आज का ये स्पेशल वीडियो कैसा लगा, इस पे आपको कोई पूछे क्या मैं आपको किसी भी तरीके से कुछ नया थॉट दे पाया, मैं आपको कोई चीज बता पाया जिससे आपकी टेक्निकल एनालिसिस आपको लगता है एक बेहतर एक दूसरी दिशा में जाने की तरफ अग्रसर होगी, आगे बढ़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपके जो भी विचार हो, इनसाइट्स हो, ओपिनियंस हो, जो कुछ भी आप ठीक समझें वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिख करके बताएं। अगर आपको लगे कि हमारे इस टेक्निकल एनालिसिस के इस छोटे से चैनल से, एक छोटी सी कोशिश से आप कुछ एक चीजें सीख पाए हैं और आगे बढ़ पाए हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिएगा। हो सके तो ये इंफॉर्मेशन किसी और को भी आप शेयर कर दीजिएगा, चांसेस हैं कि वो भी अगर भी वो चीज सीखेगा तो शायद अपने लॉसेस को कंट्रोल कर लेगा। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म और वाणी के देता हूँ। कोशिश करूंगा जरूर मिलूं नए जोश के साथ, नई इंस्पिरेशन के साथ, नए होप्स के साथ, नई मोटिवेशन के साथ, और डेफिनेटली एक नए टॉपिक के साथ जो आपकी हेल्प करे चीजों को बेहतर समझने में, लॉसेस को कंट्रोल करने में, स्टॉक मार्केट में अपने करियर को ग्रो कर। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट ग्रेट डे एंड नाइस लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।